गुड इवनिंग। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और जो भी भावी क्लर्क हैं उनके लिए HSSC ने एक नई गुगली डाली है और सारे जो भावी क्लर्क हैं वो क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। जी हाँ, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे सभी जो भावी क्लर्क हैं वो क्लीन बोल्ड होते नज़र आ रहे हैं। HSSC की एज़ यूजल एक और गूगली आई है आपके लिए, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। जी हाँ, जिस पर से आपको मालूम है कि हम ऑनलाइन स्क्रूटनी के लिए पिछले 2 दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं अभ्यर्थी, और काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ भी क्लैरिफाई नहीं कर पा रही है HSSC। और थोड़े बहुत नॉलेज के साथ जो भी हम अपडेट आपके लिए लेके आते हैं शायद आपके लिए लाभदायक साबित हो रही है। लेकिन दोस्तों, कल मैंने एक अपलोड की थी वीडियो, उसमें और इस जो आज अभी से कुछ समय पहले से ये जो आपका लिंक अवेलेबल है और उस पर जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। और असल गूगली वही है HSSC ने डाली है। तो हाँ, तो जैसे हम देख रहे हैं दोस्तों कि पहला डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा था, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, एज वाला, एज रिलैक्सेशन का, डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, OSP के भी, और 10th 12th की हमारी मार्कशीट वगैरह भी अपलोड हुई थी। लेकिन असली गूगली आई है अब यहाँ पर, जहाँ ये लिख रखा है कि इज़ एप्लीकेंट और एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली दैट इज़ फादर, मदर, स्पोज, ब्रदर एंड सन, यानी कि एप्लीकेंट के परिवार में एप्लीकेंट खुद या उसके पिताजी, माताजी, पति, पत्नी, भाई और बेटा वाज हैं, थे या फिर रह चुके हैं कोई रेगुलर हरियाणा स्टेट के जॉब उसमें एम्प्लॉय रह चुके हैं, ये उन्होंने कहा है। और जैसे ही हम इसको एक्सपीरियंस तो उनका है जिन्होंने लगाना है अपना एक्सपीरियंस, जो यहाँ पर जॉब कर रहे थे, एक्सपीरियंस उनका लगेगा जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर में जिन्होंने काम किया है क्लर्क या उससे बड़ी पोस्ट पर, अगर वो इसको यस करते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन अब इसको हम नो करते हैं, नो करते हैं तो आपने, जैसे कि कल बार बार क्वेरी आई कि हमारे लिए सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट है, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर, हम बार बार इस बारे में चर्चा कर रहे थे। और जिन्होंने ये बार बार पूछा था उनको अच्छे से याद होगा कि उनका ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं हो रहा था कल। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने, अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम 50% अभ्यर्थी अपना डॉक्यूमेंटेशन का या स्क्रूटनी का काम पूरा कर चुके हैं। और अंत में जाते हुए HSSC ने एक गूगली डाली है, इसको गूगली नहीं, रॉन्ग वन कहेंगे, कि ये जानी किसी दिशा में थी, चली किसी उल्टी दिशा में आई है। तो ये अपलोड जो डॉक्यूमेंट है आपने, अब क्योंकि यहाँ से अपलोड हो रहा है, तो क्या होगा अगर जिन्होंने अपलोड नहीं किया उनके साथ, और क्या होगा जो अब अपलोड कर देंगे, तो उसमें जो डिस्क्रिपेंसी आएगी, एक डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में, उसको किस प्रकार से ठीक किया जाएगा, क्या उसमें लेवलर होगा दोनों के बीच में, तो ये भी देखने वाली बात रहेगी। अब इसी के साथ जो ये हमने चर्चा करनी थी वो इसमें कर चुके हैं। अगर इसी के आगे फर्दर कोई अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। हालांकि HSSC को भी इसके बारे में क्लियर करना चाहिए कि किस प्रकार से उनको ये अब आगे प्रोसेस करें जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि दोबारा से उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो अब जिनका अपलोड नहीं हुआ है उनके लिए फर्दर प्रोसेस क्या है, जो अब अपलोड कर देंगे उनके लिए क्या है, इसके बारे में HSSC से क्लियरिफिकेशन आनी ज़रूरी है। जब तक आती है बने रहें आप इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की रात्रि शुभ हो। धन्यवाद।